बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल फैमिली कुकिंग ब्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम वेजिटेबल टोस्ट बनाएंगे, जो कि ब्रेकफास्ट के लिए तो बहुत ही क्विक और सिंपल रेसिपी है। तो वेजिटेबल टोस्ट बनाने के लिए मैंने दो अंडे लिए हैं और इसमें बारीक चॉप किया हुआ हम प्याज डाल देंगे। ये मैंने स्मॉल साइज़ का एक प्याज लिया है और शिमला मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी, और साथ ही एक स्मॉल साइज़ का कट किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसमें एक चौथाई चम्मच हम नमक ऐड करेंगे, या फिर आप हसबे जायका भी डाल सकते हैं इसमें नमक, और साथ ही 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, और साथ ही जायके के लिए हम थोड़े से वाइट पेपर इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद फोर्स की हेल्प से इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये कुछ वेजीज मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड की हैं, आप चाहें तो और भी वेजीज इसमें डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। वेजिटेबल टोस्ट को फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल डाल लिया है और फ्लेम को भी ऑन कर लिया है। तो ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब ब्रेड के एक स्लाइस लेंगे और इस अंडे के मिक्सचर में उसको अच्छे से डिप करेंगे। अंडा दोनों साइड से कोट करेंगे ब्रेड के स्लाइस पर, और फिर इसको फ्राई पैन में डाल देंगे। तो देखें, तकरीबन 2 मिनट हमने एक साइड से इसको फ्राई कर लिया है। इसके साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम 2 मिनट के लिए इस वेजिटेबल टोस्ट को फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट हमें दूसरी साइड से भी इस टोस्ट को फ्राई कर लिया है। तो ये आप इसका कलर देख लें, परफेक्ट कलर आ गया है। तो बस अब इसको निकाल लेंगे हम। एक टोस्ट मैंने फ्राई करके निकाल लिया, तो दूसरा टोस्ट इसमें डाल देंगे। ये देखें, सब वेजिटेबल टोस्ट को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है और ये आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। तो हमने कितनी आसानी से इनको और बहुत ही कम वक्त में बना लिया है, और ब्रेकफास्ट के लिए तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और ब्रेकफास्ट के लिए टाइम भी कम होता है, तो ये बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लेती बल्कि जल्दी बन जाती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो मैं इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।